हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सोलिंग प्लान्स। तो देखिए, और साथ मैं आपको कॉलम साइज, बीम साइज और फुटिंग का डेप्थ, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना है, कोई भी सोच रहे तो स्टेयरकेस क्या बीच में छोड़ना चाहिए, कौन सा तो एक साइड में छोड़ना चाहिए, उसके बारे में वीडियो मैं बता रहा हूँ। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, और आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्लैब है ना, इसको आप रिड्यूस किए तो और अच्छा ही रहेगा, बिकॉज कौन सा भी व्हीकल आते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसकी वजह से क्या है, आप ये सामने जो छत देख रहे हैं ना, उसको आप चाहे तो रिड्यूस कर लीजिए, बिकॉज डाउनिंग स्लोप तो डाउन रहेगा, ओके डाउन रहेगा, बट तो कार के ऊपर कुछ भी रहा तो लगने का चांसेस रहता, तो उसको आप अवॉइड कर लीजिए। ये छत जो है ना, आप रिड्यूस कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो रखा गया है, उधर चाहे तो और एक शॉप भी बन जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर रखा गया। देखते हैं अंदर, लेट्स सी, ये अंडरग्राउंड पार्किंग, ओके एंड यहाँ पर एक टोटल इसका साइज है 30 feet by 60 feet है इसका साइज, विड्थ में 30 feet और लेंथ में जो है 60 feet। एंड इसका पार्किंग का हाइट कितना रहना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि पार्किंग का हाइट आप ज़मीन के नीचे जितना भी है, ओके जितना भी आप एक्सकेवेट कर लीजिए, बैक फिलिंग कर लीजिए, जो भी है, टॉप ऑफ योर प्लिंथ बीम से लेके सीलिंग हाइट रहना चाहिए 10 feet तो रहना चाहिए, बिकॉज कुछ ऑब्जेक्ट्स बड़े रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे रहते हैं, तो कम से कम क्लियर स्पैन सीलिंग ऑफ योर स्लैब से लेके टॉप ऑफ योर प्लिंथ बीम कम से कम 10 feet तो रहना, ओके एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लिंथ बीम का साइज़ क्या रहना। देखिए, अगर प्लिंथ बीम का साइज़ यहाँ पर जो ली गई है 9 inch का इसका विड्थ है प्लिंथ बीम, या फिर आप कह सकते हैं उसे ग्राउंड लेवल पर जो बीम लिया है ना, इसका साइज़ आप लगभग ले सकते हैं 9 inch का, एंड उस और इसका डेप्थ लगभग आप लीजिएगा 12 inch तक लीजिए डेप्थ, बिकॉज इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लोड नहीं पड़ेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दोनों तरफ से फोर्स एक्ट करता है, अगर ये बीम है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो टेंशन बकल होने का चांसेस रहता, तो उसकी वजह से आप प्लिंथ बीम का साइज़ या फिर ग्राउंड लेवल पर जो बीम रहता है ना, आप साइज़ उतना कुछ ज़्यादा माइनर प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट बीम जब आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर हल्का सा झके हुआ भी दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन करना, स्पेशली फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर्पज़। एंड लगभग यहाँ पर स्पैन है करीब 18 से 20 feet तक इसका स्पैन है, ओके जस्ट देखिए तो आप लग रहा है करीब 20 feet का स्पैन है, 18 से 20 feet का इसका टोटल एंड टू एंड जो है 20 feet तक है, आउटर टू आउटर लगभग, ओके एंड ये जो बीम्स दो जाले गए ना, करीब 12 से 13 feet के दूरी पर है, इनर टू इनर जो है करीब 13 feet तक, 13 feet। एंड नेक्स्ट इसका डेप्थ कितना रहना चाहिए, एक स्लैब छोड़, स्लैब का साइज़ थिकनेस कम से कम 5 inch का रहना, एंड डेप्थ जो है 12 inch कंसिडर किया गया अगर। और प्लिंथ बीम नेक्स्ट आता है आपका कॉलम का साइज़, यहाँ पर 9x15 inch का कॉलम ली गई है, पूरा जितना भी कंप्लीट है ना, 9x15 inch का कॉलम, और विड्थ ऑफ योर बीम 9 inch, एक्स्ट्रा जो बच रहा है आपका वो 6 inch बच रहा है, तो 9x15 inch का यहाँ पर कॉलम ली गई है। तो मल्टी स्पेशली फॉर कमर्शियल बिल्डिंग रहा तो थोड़ा सा साइज़ हैवी लेने का कोशिश कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर में अगर आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप हैवी लेने का कोशिश करना। एंड नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रहेगा पाइपलाइनिंग पर्पस, तो पाइपलाइनिंग पर्पस थोड़ा सा ऑफसेट जगह छोड़ दिए तो और अच्छा रहेगा, ओके एंड नेक्स्ट देखिएगा, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाते हैं ना, तो कम से कम ये हाइट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, नहीं तो कार को या फिर आप आते वक्त थोड़ा सा लगने का चांसेस रहता है, या फिर रोड और भी हाइट होगा इन फ्यूचर में तो दिक्कत
का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रखिए तो और अच्छा ही रहेगा। एंड इस टाइप को आप ज़्यादातर अवॉइड कर लीजिए, हो सका तो थोड़ा सा ऑफसेट 9 इंच या फिर 1 फिट का ऑफसेट छोड़ दिए तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कोशिश कर लीजिए ये बीम और एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आ जाए। ओके, बाद में 1 फिट चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, या फिर आप कुछ लाइक वर्क कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग वर्क इजीली आप मूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको नीचे पाइप लेना है तो स्लैब को तोड़ना पड़ेगा, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप 1 फिट ऑफसेट जगह छोड़ दे। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, जो भी इस तरह का कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मैं भी आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेन प्रॉब्लम जो आता है सेपरेट टैंक कहाँ पे बनाना और उसका हाइट कितना रहना चाहिए। स्पेशली सेपरेट टैंक आप बनाते हैं ना, रोड लेवल से कम जो आपका रोड है उससे जो है एटलीस्ट 2 फीट तो ऊपर रहना ही चाहिए, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर जो भी हो। आप अंडरग्राउंड लेवल पे बनाए सेपरेट टैंक तो आउटलेट तो इम्पॉसिबल है, तो उसकी वजह से आप एटलीस्ट रोड लेवल से जो है थोड़ा सा हाइट लीजिएगा। रोड लेवल से हाइट लिए तो क्या है, आपको अब भी एकदम अंडर लेवल अंडरग्राउंड जो है ना उसके लेवल पे बनाए तो बहुत मुश्किल है, वो तो इम्पॉसिबल है, आपको हर रोज़ तो आप पंप नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या है, जो आपका रोड है ना रोड लेवल से एटलीस्ट 1-2 फीट तो रहना चाहिए ऊपर, मतलब उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट करना चाहिए सेपरेट टैंक। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक रूम बनाएगा, ये स्टोरेज पर्पस या फिर गार्ड पर्पस उस तरह से। ओके, एंड स्टेयरकेस यहाँ पे ली गई है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर स्टेयरकेस है, एक साइड ली गए। जो भी रेंटल पर्पस है ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मे बी रेंटल पर्पस, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटिल एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट दिस चैनल टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे।